नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85। आज बिहार की राजधानी पटना के अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान पटना के परिसर में बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता सेनानी और बिहार सरकार के प्रथम कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय जगलाल चौधरी की 126वीं जयंती डॉक्टर धर्मदेव चौधरी की अध्यक्षता में जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती समारोह का उद्घाटन बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने स्वर्गीय जगलाल चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। मंच का संचालन जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के सचिव विश्वनाथ चौधरी ने किया, जबकि संस्थान के अध्यक्ष बिहारी प्रसाद ने अतिथियों का स्वागत संबोधन किया। वहीं अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने स्वर्गीय जगलाल चौधरी के जीवन का संक्षिप्त परिचय कराया। इस जयंती समारोह के कार्यक्रम के दौरान एक वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। वहीं सभी बिहार के सभी जिला से आए प्रमुख लोगों को संस्थान का स्वर्गीय जगलाल चौधरी का चित्र दिया गया, ताकि उनकी जयंती सभी जिलों में मनाई जा सके। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन अखिल भारतीय पासी समाज के उपाध्यक्ष हीरा लाल चौधरी ने किया। इस जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों से सैकड़ों की संख्या में पासी समाज के लोग आए थे। इस कार्यक्रम को जगलाल बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरू किया जाएगा, तत्पश्चात दीप प्रज्वलन किया जाएगा। तो मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता श्री उदय नारायण चौधरी, मंच पर आसीन श्री मुनेश्वर चौधरी। तमाम लोगों से अनुरोध है कि कृपया जगलाल भाव के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन करें। सर, आज का जयंती समारोह, आज का जयंती समारोह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगलाल चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की गई है। जगलाल चौधरी एक व्यक्ति नहीं थे, संस्था के रूप में उन्होंने अपने जीवन काल में काम किया और देश को आजाद कराने में जिस जमाने में जन्म लिए, उस जमाने में जो दलित लोग थे, अछूत लोग थे, उनका स्थान बहुत नीचे होता था, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट हुए और उसी के आधार पर स्कूल में और उस आधार पर इनका नामांकन मेडिकल कॉलेज में हुआ और गांधी जी के आह्वान पर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ करके देश में जो चल रहे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए और जब फरार थे उसी अवस्था में इनका बड़ा पुत्र इंद्रदेव चौधरी जो भी गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था, उसमें गोली से मारे गए थे, शहीद हो गए। तो ये जो जगलाल बाबू थे वो कमजोर वर्ग में पैदा लेकर के और देश को आजाद कराने में उनकी भूमिका रही, और इसी तरह से जो कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका आजादी, देश को आजाद कराने में भूमिका रही है, लेकिन उनका इतिहास अभी छुपा हुआ है। इसलिए सभी कमजोर वर्ग के जो
शहीद हुए, शहादत इन्होंने दिया देश को आजाद कराने में, उनके इतिहास को आगे करना चाहिए और सिलेबस में इनकी जीवनी को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि गरीब अछूत होकर के भी देश के निर्माण में, देश को आजाद कराने में इन लोगों की भूमिका।